आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 9th क्लास चैप्टर 2 जो पेज नंबर 28 पे है। ठीक है, ये हमारे पास है पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये शुरू से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। 9th में है, 10th में है, 11th में आएगा, आपको 12th में आएगा, आगे जितना पढ़ते जाएंगे ये आगे आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका बेसिक मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना। पॉलीनोमियल्स देखो, पॉलीनोमियल्स जो है टू वर्ड से बना है, एक पॉली दूसरा नोमियल्स। पॉली का मतलब है मेन, मतलब बहुत सारा, और नोमियल्स का मतलब है टर्म। ठीक है, पॉलीनोमियल्स की थोड़ा सा हिस्ट्री में बता रहा हूँ। इसके लिए जो है एक मैथमेटिशियन है जीरो लाम गेडाम, ये 1501 से 1576 में इनका मैथमेटिक्स में बहुत ही योगदान रहा है। फिर उसके बाद से मोहम्मद अल ख्वारिज्म है जिन्होंने पॉलीनोमियल का बेसिक आइडिया दिया। सबसे बड़े मैथमेटिशियन हैं और इन्होंने बहुत सारे दूसरे भी मैथ में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारे रेने डिस्कैरेट्स जिन्होंने 1637 में बुक ऑफ ज्योमेट्री लिखी। ठीक है, उसके बाद से हमारे उससे पहले थे यूक्लिड जिन्होंने फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री दिया। उसके बाद से बहुत पहले हैं जो ये बीसी में हैं एम्स। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आप लोगों को बताया, इसको नोट करो। अब हम लोग देखते हैं पॉलीनोमियल का डेफिनेशन, पॉलीनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ Px a0 plus a1x plus a2 x का पावर 2 x3 plus x3 x का पावर 3 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा plus an x का पावर n। हमने इसको ऐसे डिनोट कर दिया कि ये आगे जो है नंबर बढ़ते जाएगा, इसका कोई भी लास्ट नंबर नहीं है। जिसमें वेयर a0 a1 a2 और दूसरा हमारा एम, मतलब ये पावर जितना भी पावर है ये सारे पावर्स क्या होंगे, होल नंबर होंगे। ठीक है, होल नंबर के अलावा अगर कोई और नंबर है, कोई दूसरा होल नंबर के अलावा अगर इंटीजर्स है, अगर रूट है, माइनस में है, कुछ भी है अगर पावर, मतलब वो हमारा क्या है, पॉलीनोमियल्स नहीं है। उसके बाद से जो हमारा ए है, ए को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट। ये हमारा जो कोफिशिएंट है ये हमारा होता है रियल नंबर। ठीक है, हमने पहले ही बताया रियल नंबर आप लोगों को पता है। उसके बाद से जो हमारा डिग्री है उसको हमेशा वो होता है होल नंबर। इसके बाद से ये जो होता है a1 plus x a2 plus x ये सारे को बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म। ठीक है, ये सारे टर्म्स हो गए, ये पॉलीनोमियल्स के ये टर्म्स हो गए। ये a जो इसके साथ लगा हुआ है जो रियल नंबर में होगा वो कोफिशिएंट हो गया। इसके बाद से ये पूरे को हम लोग टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसका पावर होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है उसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है, कोई भी पॉलीनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर होगा, यह हमारा एक्सप्रेशन है, इसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, n है, तो हमारा n यहाँ क्या हो गया, डिग्री हो गया। कितनी बात समझ में आ गई, इतना आप लोग नोट करो। इसके बाद से हम टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा होता है जीरो पॉलीनोमियल। जीरो पॉलीनोमियल किसको बोलते हैं, जिसका कोफिशिएंट जीरो हो। जिसमें हमने आपको एक्सप्रेशन बताया था, इसमें हमारा जो कोफिशिएंट क्या है, ए है, मतलब अगर कोफिशिएंट जीरो हो गया तो वो हमारा जीरो पॉलीनोमियल होगा। आपको एग्जांपल बता देता हूँ क्यों, अगर किसी भी नंबर में हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। मतलब कोई भी एक्स में अगर हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा।
इसके लिए अगर कोई भी हमारा ये वेरिएबल्स है, ठीक है, उस वेरिएबल्स के साथ अगर हमने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो पॉलीनोमियल, ठीक है। उसके बाद से हमारा दूसरा है कांस्टेंट पॉलीनोमियल। कांस्टेंट पॉलीनोमियल का ये होता है कि अगर किसी भी वेरिएबल का डिग्री जीरो हो जाए, कोई भी वेरिएबल है, अगर हमारे पास ये 3x का पावर जीरो हो जाए, मतलब अगर डिग्री अगर जीरो हो गया तो अगर x का पावर जीरो मतलब क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये एक ये हमारा वन आ गया, ये भी एक कांस्टेंट पॉलीनोमियल है। अगर 3x का पावर जीरो तो 3×1 इसका कितना हो गया 3। तो अगर किसी का भी डिग्री जीरो हो जाए, अगर उस वेरिएबल के साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वही सेम नंबर आ जाएगा। इसलिए अगर किसी भी पॉलीनोमियल्स में किसी भी वेरिएबल्स का अगर डिग्री जीरो होता है तो हमारे पास कांस्टेंट पॉलीनोमियल होगा। उसका एग्जांपल हमने लिखा है 3/2x का पावर 0, कुछ भी लिख सकते हैं, 5x का पावर 0, 500 का पावर 0, मतलब अगर 100 का पावर 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए इसको दूसरा हमारा है कांस्टेंट पॉलीनोमियल। तीसरा है लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर पॉलीनोमियल किसको बोलते हैं, ए पॉलीनोमियल विद डिग्री 1, हमारे पास अगर डिग्री 1 आ जाए, जैसे यहाँ डिग्री कोफिशिएंट 0 होगा, यहाँ डिग्री 0 होगा, अगर किसी भी वेरिएबल्स का डिग्री 1 है तो वो हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलीनोमियल होगा। एग्जांपल 3x+1, हमारा यहाँ डिग्री क्या है, 1 है, x का डिग्री 1 है, तो एक x का डिग्री 1 है तो हम यहाँ 1 लिखते नहीं है, किसी का भी डिग्री अगर 1 होता है तो वो सेम हो जाता है, इसलिए डिग्री लिखते नहीं। और भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, ये हमारा 5y+3, ये भी हमारा एक लीनियर पॉलीनोमियल है, सॉरी 5x+3। ये ध्यान रहे यहाँ जो हमारे पास नंबर होगा वही नंबर वही वैल्यू हमारे पास यहाँ लिखा जाएगा, जो वेरिएबल यहाँ होगा वही वेरिएबल इधर हमारे पॉलीनोमियल्स में लिखा जाएगा, ठीक है। तो 5x+3 कोई भी हमारा ये डिग्री अगर 1 होता है वो हमारा लीनियर पॉलीनोमियल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखो, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछो, ठीक है, हमें कॉल करो, आपसे पूछो आगे, इसके आगे ये नोट कर लो, इसके बाद आपसे आगे हम और बताते हैं। आगे हम देखते हैं दूसरा हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल उसको बोलते हैं जिसका डिग्री 2 हो, ठीक है। कोई भी पॉलीनोमियल का डिफाइन उसके डिग्री से किया जाता है, जो उसका हाईएस्ट डिग्री होगा उसी हिसाब से उस पॉलीनोमियल को हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर किसी पॉलीनोमियल का डिग्री 2 है तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, x²+3x+5, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हमारे ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं आप, सिर्फ अगर हम x का पावर 2 लिख दें तो ये भी हमारा एक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया, ठीक है। कुछ और भी ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, x का पावर 2 + 5x + 3, कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। 10x² + 5x + 3, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो हाईएस्ट पावर होगा वही हमारे पॉलीनोमियल को डिफाइन करेगा। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। उसके बाद से होता है 5 नंबर पर हमारे पास है क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलीनोमियल उसको बोलते हैं द पॉलीनोमियल है पावर 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है। एग्जांपल देते हैं 5x³+2x²+3, और भी कोई एग्जांपल, अगर x का पावर 3 ले लें तो ये भी हमारा है क्यूबिक पॉलीनोमियल हो गया। अगर 100x का पावर 3 कर ले तो ये भी हमारा है क्यूबिक पॉलीनोमियल हो गया, ठीक है। उसके बाद से हमारा 6 नंबर पे आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल उसको बोलते हैं
ये आप लोग नोट करो, इसके बाद से इसके आगे बढ़ना होगा। इसके बाद से हमारे पास आता है मोनोमियम। मोनोमियम में क्या होता है, देयर इज ओनली वन टर्म। अगर टर्म सिर्फ एक हो, ओनली वन टर्म हो, तो हमने आपको एक्सप्रेशन में बताया था पहले ही कि इसको टर्म बोलते हैं। ये हमारा एक टर्म हो गया, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया, ये अलग अलग जितने हैं जितने वेरिएबल चाहिए टाइम में, जब भी तुम मैसेज करोगे उसी टाइम हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। हमने आप लोगों को बताया जीरो पॉलीनोमियल, कांस्टेंट पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मेनी मोनो मेनीमोनियल। उसके बाद से हमने आप लोगों को बताया डिग्री किसको क्या बोलते हैं। उतना मैं लिखा, इधर ये लिखा और अब मैं जाने लगा। तब तक मेरा बच्चा एक बोला कि सर रुको, भागो नहीं, जब आपने ये जब लिख दिया है तो हमारा भी सुन के जाओ। मैंने बोला क्या सुनाना है, बोला कि जब आपने ये क्वेश्चन सारा लिख दिया है और आप चाह रहे हैं कि हम लोग इसको बता दें किसको क्या बोलते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है फिर बता दो हम लोग। हमने बच्चे से पूछा बताओ हमको कि क्यूबिक पॉलीनोमियल किसको बोलते हैं, तो क्यूबिक पॉलीनोमियल किसको बोलते हैं, क्यूबिक हमने क्या बताया था, डिग्री देखना है, सबसे हाईएस्ट जो डिग्री होगा वही पॉलीनोमियल होगा। ठीक है, तो क्यूबिक में क्या होता है डिग्री 3, तो हमारा ये 3 डिग्री का पॉलीनोमियल क्या हो गया क्यूबिक पॉलीनोमियल। ठीक है, उसके बाद से
कोफिशियंट अगर जीरो हो जाए तो क्या होता है, कोफिशियंट अगर जीरो हो तो वो जीरो पॉलीनोमियल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर से जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से हमने बोला चलो क्वाड्रेटिक बता, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या है, डिग्री टू, डिग्री अगर टू है तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है, अगर डिग्री वन हो तो हमारे पास ये क्या है, डिग्री टू एक्स प्लस फाइव डिग्री क्या है, वन है, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल हो गया। चलो हमने पूछा मोनोमियल किसको बोलते हैं, तो मोनोमियल क्या होता है, टर्म एक होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, टर्म एक हो गया, उसके साथ अगर डिग्री जीरो है तो ये क्या हो गया, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल हो गया। ठीक है, अब डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को, इसका हाईएस्ट पावर क्या है टू, तो इसका डिग्री क्या हो गया टू हो गया, इसका हाईएस्ट पावर क्या है थ्री, तो इस पॉलीनोमियल का डिग्री कितना हो गया, थ्री हो गया। ये क्वेश्चंस आपको आगे चैप्टर्स में आएंगे। ठीक है, ये पॉलीनोमियल का डिग्री बताओ, तो जो भी हाईएस्ट पावर है वो डिग्री होता है, तो इसलिए जब क्वेश्चन आए तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री होता है। टर्म किसको बोलते हैं, इसको ये हमारा एक टर्म हो गया, ये हमारा एक टर्म हो गया। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, क्वेश्चन आएगा आपको कि ये पॉलीनोमियल लिखा होगा इसका कोफिशिएंट बताओ, तो हमारे इसका कोफिशिएंट क्या है, टू है। ठीक है, उसके क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो हमारा एक्स स्क्वायर ये होगा, इसका कोफिशिएंट टू हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गया, आप लोगों को ये बातें पूरी समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद से जो भी हमारा चैप्टर है 2.1 वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आए तो व्हाट्सअप करो हमको, हम उसी टाइम में आप लोगों को बताएंगे।